कहाँ जा रही हो? मेले में। भैया के ऑटो में तो गेट लगा हुआ है दोनों तरफ से, वो भी। तो जी गाइस पहुंच गए मेले पर, बारिश हो गई है शुरू। तो जी मायरा जा रही है हेलीकॉप्टर राइड पर। बाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल वासिस उषा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है ईद का तीसरा दिन और हम आपसे मिल रहे हैं शाम को, क्योंकि इन्होंने वादा कर लिया था बच्चों से कि तीसरे दिन तुम्हें मेले लेकर चलूंगा, वो भी यहाँ वाले नहीं जो हमारे घर के पास लगता है, वहाँ नहीं, लाल किले पर जो बड़ा मेला लगता है वहाँ। अब बच्चे भाई दोपहर के बाद से जिद कर रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। अब जाके हम रेडी हुए और जैसे ही रेडी हुए आंधी तूफान आ गया बाहर। अब देखो अल्लाह मालिक है, रेडी तो हो गए हैं। चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या होएगा इस व्लॉग में। आंधी तूफान आता है या हम मेले में घूम के आते हैं। जी कहाँ जा रही हो? मेले में। हाँ जी कहाँ जा रही हो? मेले में, वो भी रेड फोर्ट वाले। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज ईद का तीसरा दिन और आप सभी को तिबासी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेले में जा रहे हैं, शाम हो रही है, 5:30 बज रहे हैं, हमारा ऑटो आ रहा है जस्ट थोड़ी देर में फिर निकलेंगे। कौन से झूले में बैठोगे आप? मिक्की माउस में। हमारा ऑटो आ गया, जल्दी से निकलते हैं। चलो 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 चलो। बारिश हो गई। निकल तो हम गए हैं लेकिन हल्की हल्की बूंदा बांदी स्टार्ट हो गई, अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। वो आ गया हमारा ऑटो। बैठो बैठो बैठो। घुमा भैया के ऑटो में तो गेट लगा हुआ है दोनों तरफ से, वो भी कहीं से भी घुस जाओ। अरे वाह, गेट भी बंद करना पड़ेगा। हो गया बंद। चलो भैया। जी गाइस मौसम को देखते हुए ना हमने साथ में अपने रख ली थी कचौरी। ओए होए होए क्या मौसम हो रहा है, और मजेदार कचौरी। ओए होए होए मजा आ गया। तो जी गाइस पहुंच गए हैं मेले पर, बारिश हो गई है शुरू। तो जी मायरा जा रही है हेलीकॉप्टर राइड पर। हाँ बैठ जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लेना आप ही को। बाय। मजा आ गया। चलो अब दूसरे में चलते हैं। जो आगे बैठेंगे सबसे आगे, हम चारों बैठेंगे। मायरा पीछे बैठोगी? तो आगे बैठो आप। रुक गया। ओ भाई साहब टैलेंट देख लो बंदे का। माइनों की हालत खराब हो गई माओ की। रोको रोको। क्या हो गया माओ? डर लग गया। तो बड़े वाले में तो बैठ नहीं पाओगी। बाय बाय नू।
बाय। तो जी अब जा रही हैं एलिफेंट की राइड पे, बाय बाय माइनर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अंडर वाटर फिश एक्वेरियम में, देखो फिश टनल। चलो जी देखो मैनू छोटी छोटी फिश। ये टनल तो भाई साहब फिश टनल भी देख ली। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था तो पागल सा बना दिया, खाली एक्वेरियम रख रखे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे पूरी टनल सी बनाई हुई है, वहां पे थी मछलियां बहुत सारी। अब चलते हैं बाहर। और जी मजा आ रहा है? भूख भूख लग रही है? कुछ खा पी लो। कुछ नहीं खाना इन्हें। मायरा चली गई है जंपर में, वो देखो। जी गाइस निकल गए घर के लिए, बाहर आ गए हम मेले में से और अब घर चल रहे हैं। मजा आ गया? चलो हाँ जी। तो गाइस रीच्ड होम स्वीट होम। चलो आ गए जी घर, और हमारा माइनर तो सो गया रास्ते। द नेक्स्ट डे। हाँ जी तो गाइस हो गया है नेक्स्ट डे की भी दोपहर हो रही है, एंड यहाँ पर चल रही है माहिरा की स्कूल की तैयारी। कल से स्कूल जाना है, उनके सारी कॉपी पे कवर्स वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी माहिरा बनी है मॉनिटर। मैम का पर्सनली मैसेज आया था कि माहिरा मॉनिटर बनी है, तो माहिरा की सभी कॉपीज पे कवर जरूरी होना है, चढ़ना जरूरी है, क्योंकि मॉनिटर के ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से चढ़ा के लाएंगे। हाँ जी माहिरा आप मॉनिटर बन गए? यस। हैं मैम ने आपको मॉनिटर बनाया है? गाइस अभी जब से इनका स्कूल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आप पहली बार ये मॉनिटर बनी है, तो इन्हें बहुत एक्साइटमेंट बहुत खुशी फील हो रही है। मजा आ रहा है? yes. कल से स्कूल स्टार्ट, नॉर्मल डेज स्टार्ट। अरे अम्मा जी रहन तो तुम ये देखो आपको दे लाई थी। Two hours later. तो गाइस लास्ट शॉट में आपने देखा कि हम जो है माहिरा के कॉपी किताबों पे कवर चढ़ा रहे थे, वो सब काम पूरे 2 घंटे लग गए। इतने छोटे मोटे कामों में ना बहुत टाइम लग जाता है। इनका सब काम हो गया, इनका बैग वैग बना दिया, ये लोग पार्क खेलने चले गए थे। उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ, शाम के बज रहे हैं 6, मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और मैं आपसे बस थोड़ा सा आउट्रो के साथ कुछ बात करना चाह रही थी वो ये। तो ये थी हमारी रमजान सीरीज और ईद के व्लॉग्स के यहाँ पर होती है एंडिंग, क्योंकि रमजान भी पूरे होते हैं और ईद का दिन भी आज खत्म होता है। 3 दिन गुजर चुके हैं, ईद 3 दिन की होती है, 3 दिन हमने अच्छे से सेलिब्रेट करी। आप बताइएगा आपने ईद के 3 दिन कैसे कैसे सेलिब्रेट करे। फर्स्ट डे हम अपने घर में ही रहे थे, दूसरे दिन हम मम्मी के घर जाते हैं, वहां जाके सेलिब्रेट करते हैं, तीसरे दिन हम गए थे मेले बच्चों को लेकर घुमाने फिराने। और आप बताइएगा आपने 3 दिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेलिब्रेट किया। तो ये सीरीज होती है खत्म, अब नॉर्मल डेज स्टार्ट हो जाएंगे और आपको मिलेंगे हमारे नॉर्मल डेली रूटीन वाले व्लॉग्स। उनको भी ऐसे ही अपना प्यार दीजिएगा जैसे आपने रमजान और ईद व्लॉग को दिया। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। मायशा करिए बाय।